students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today I am going to discuss the question answers of chapter 4 of class 4, that is plants around us. So let us discuss the fill in the blanks first. सबसे पहले हम fill in the blanks करेंगे. First one is, plants growing on hills are tall, straight and have a conical shape. Second is, people and banyan are the true of the trees that grow on plains. आप प्लेन्स पे ग्रो करने वाले दूसरे ट्रीज़ के भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंगो, नीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्वेश्चन थ्री हियर इज, ब्रीदिंग रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरियल रूट्स. फोर्थ इज, हाइड्रिला इज एन अंडर वाटर प्लांट. एंड फिफ्थ इज, लोटस स्टेम इज ईटन एज अ वेजिटेबल. लोटस के स्टेम को सब्जी की तरह खाया जाता है. नाउ मैच द फॉलोइंग. अभी हम क्वेश्चन के वर्ड्स को आंसर के स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स के साथ मैच करेंगे. एवरग्रीन ट्रीज़ एज यू नो रबर एंड टीक आर एवरग्रीन ट्रीज, तो रबर एंड टीक से मैच करेंगे. नीडल लाइक लीव्स आर फाउंड इन पाइन एंड केदार, सो मैच इट विथ पाइन एंड केदार. थर्ड इज, नो लीव्स, वी नो दैट कैक्टस हैव नो लीव्स. कैक्टस के लीव्स स्पाइंस में, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं. फोर्थ इज, ब्रीदिंग रूट्स आर सीन इन मैनग्रोव ट्रीज. एंड फिफ्थ इज, एयर फिल्ड कैविटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स. एंड अ कल्टिवेटेड क्रॉप, राइस इज अ कल्टिवेटेड क्रॉप. नाउ लेट अस डू द टिक द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन को टिक करना है. फर्स्ट हियर इज, इट इज़ अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट. द आंसर इज वाटर हाइसिंथ. सेकेंड इज, दीज आर अनवॉन्टेड प्लांट्स. वी नो दैट वीड्स आर अनवॉन्टेड प्लांट्स. थर्ड इज, इट कैन सर्वाइव इन सॉयल विथ वेरी लिटिल वाटर. बहुत कम पानी में सर्वाइव करते हैं. द आंसर इज कैक्टस. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज, वॉट आर टेरिस्ट्रियल प्लांट्स. टेरिस्ट्रियल प्लांट्स किसे कहते हैं? आंसर इज, प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल प्लांट्स. ज़मीन पर उगने वाले पेड़ों को टेरिस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. सेकेंड इज, हाउ डज द कॉनिकल शेप हेल्प द प्लांट्स ऑफ हिल्स. कॉनिकल शेप किस प्रकार पहाड़ के पेड़ों की मदद करते हैं? द आंसर इज, द कॉनिकल शेप ऑफ ट्रीज ऑन हिल्स डज नॉट अलाउ स्नो टू गेट डिपॉजिटेड ऑन देम. पहाड़ पे उगने वाले ट्रीज़ का शेप कॉनिकल होने के कारण उनके ऊपर बर्फ की परतें जमी नहीं रह सकती हैं, वे फिसल कर नीचे गिर जाती हैं. थर्ड इज़, नेम टू ट्रीज़ ग्रोइंग इन हॉट एंड वेट रीजन. ऐसे दो ट्रीज़ के नाम बताने हैं जो हॉट एंड वेट रीजन में ग्रो करते हैं. द आंसर इज रबर एंड टीक. टू ट्रीज़ ग्रोइंग इन हॉट एंड वेट रीजन आर रबर एंड टीक. Fourth one is, name an underwater plant. What kind of leaves does it have? Underwater plant का नाम बताना है और ये बताना है कि उसके पत्ते कैसे होते हैं. The answer is, hydrilla is an underwater plant. It has pointed and strap-like leaves. Hydrilla पानी के अंदर रहने वाला एक पौधा है और इसके leaves pointed and strap के जैसे होते हैं, पतले पतले बिखरे हुए से. नंबर फाइव इज़, वॉट इज़ प्लोइंग. प्लोइंग किसे कहते हैं? प्लोइंग क्या है? द आंसर इज़, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग द सॉयल, लूजिंग इट एंड मेक इट सॉफ्ट बिफोर सोइंग द सीड इज कॉल्ड प्लोइंग. मिट्टी को खोदने, लूज करने और सॉफ्ट करने की प्रक्रिया को, जो बीज बोने के पहले की जाती है, इस प्रक्रिया को प्लोइंग कहते हैं. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. लिस्ट द डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ टेरिस्ट्रियल प्लांट्स. टेरिस्ट्रियल प्लांट्स के अलग अलग हैबिटेट्स बताने हैं. द आंसर इज, डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ टेरिस्ट्रियल प्लांट्स आर प्लेन्स, हिल्स एंड डेजर्ट्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ इज कैक्टस प्लांट एबल टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन. कैक्टस प्लांट डेजर्ट कंडीशन में उगने में कैसे एबल है, उसमें क्या खासियत है? द आंसर इज, Cactus plant is able to grow in desert conditions because its stem is green and stores water. Iska stem hare rang ka hota hai aur water ko store karta hai. Second is, it has spines instead of leaf.
इसमें कांटे होते हैं पत्तों की जगह। ऐसा करने से प्लांट से वाटर लॉस कम से कम होता है। सी है, इट हैज़ डेवलप्ड रूट्स। कैक्टस के रूट्स बहुत डेवलप्ड होते हैं जो कम पानी में भी गुजारा कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हेयर इज, वॉट आर एक्वेटिक प्लांट्स, स्टेट देयर टाइप्स एंड गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप। एक्वेटिक प्लांट्स क्या हैं और इसके प्रकार के बारे में बताना है कि एक्वेटिक प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी के दो दो एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। द आंसर इज, प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, एस ये तीन प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड। सेकेंड इज फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी जड़ें ज़मीन के अंदर फिक्स्ड होती हैं, लगी हुई होती हैं। द एग्जाम्पल्स आर लोटस एंड वाटर लिली। एंड थर्ड वन इज अंडर वाटर प्लांट, पानी के अंदर उगने वाले पौधे, और इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रिला एंड इलोडिया। नाउ क्वेश्चन फोर इज, व्हाट आर कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड प्लांट्स क्या हैं। द आंसर इज, प्लांट दैट आर ग्रोन बाय फार्मर्स आर कॉल्ड कल्टीवेटेड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं उनको कल्टीवेटेड प्लांट्स कहते हैं। फिफ्थ इज, व्हाई शुड वीड्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से वीड्स को क्यों निकाल देना चाहिए। द आंसर इज, वीड शुड बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड बिकॉज दे कंज्यूम वाटर एंड फर्टिलाइजर्स मीन्ड फॉर द मेन क्रॉप। वीड्स को खेतों से इसलिए निकाल देना चाहिए क्योंकि वे पानी और खाद लेने लगते हैं मिट्टी से जो मेन क्रॉप के लिए डाला गया होता है। आफ्टर दिस वी विल डू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक छोटी सी स्टोरी होती है जैसा कि आप जानते हैं। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग हिज वेकेशन रमेश वेंट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। अपने वेकेशन में रमेश अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव गया। ही सॉ हिज ओल्ड एंड वीक ग्रैंड फादर प्लोइंग द फील्ड विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। उसने देखा कि उसके बूढ़े कमज़ोर दादाजी खेतों की जुताई कर रहे थे बुलक से, बैलों से। रमेश फेल्ट वेरी सैड, रमेश बहुत उदास हुआ। इन द इवनिंग ही रैंग अप हिज फादर एंड टोल्ड हिम अबाउट इट। शाम में उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया और इसके बारे में बताया। आफ्टर अ फ्यू डेज हिज फादर केम टू द विलेज विद अ पर्सन फ्रॉम द बैंक। कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी गाँव में बैंक के एक आदमी के साथ आए। द बैंक ऑफर्ड ईजी लोन्स टू फार्मर टू बाई ट्रैक्टर्स। बैंक किसानों को ईजी लोन्स देता है ट्रैक्टर खरीदने के लिए। आफ्टर ए मंथ रमेश ग्रैंड फादर बॉट ए न्यू ट्रैक्टर। ही वॉज वेरी हैप्पी। एक महीने के बाद रमेश के दादाजी ने एक नया ट्रैक्टर खरीदा और वे बहुत प्रसन्न हुए। नाउ हेयर आर द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टोरी। फर्स्ट इज, हाउ डू वी नो दैट रमेश इज अ वेरी केयरिंग बॉय। हम कैसे जान सकते हैं कि रमेश एक बहुत ही केयरिंग बॉय है। द आंसर इज, रमेश सॉ हिज ओल्ड ग्रैंडफादर प्लोइंग विद बुलक्स एंड आस्क्ड हिज फादर फॉर हेल्प। सो वी कैन से दैट रमेश इज अ केयरिंग बॉय। रमेश ने अपने दादाजी को खेतों की जुताई बैलों से करते हुए देखा और अपने पिताजी को मदद के लिए कहा। इस बात से पता चलता है कि रमेश एक केयरिंग बॉय है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज रमेश फादर। रमेश के पिताजी कैसे इंसान हैं। द आंसर इज, रमेश फादर इज अ काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन। रमेश के पिताजी एक दयालु और मदद करने वाले इंसान हैं। हाउ कैन यू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने दादा दादी की मदद कैसे कर सकते हैं। द आंसर इज, वी कैन हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स बाई स्पेंडिंग सम टाइम विद देम एंड बाई हेल्पिंग देम इन देयर वर्क। हम अपने दादा दादी की मदद उनके साथ समय बिताकर और उनके कामों में, उनके कार्यों में कुछ मदद करके कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स।
So learn all this and enjoy learning.